ये तुम नहीं हुसैन, ये वो बीवी है तुम्हारी जिससे तुम खौफ से जाके बैठ जाओ। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे। जी मॉम, लेकिन मॉम डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया जैसे जैसे आपने इशार से कहा। ये किस अंदाज से किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? I'm sorry मॉम, अगर आपको मेरे बात करने का अंदाज ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आपने भी तो ठीक नहीं किया। जब मैं इशाल को घर वापस ले आया था सब बात हो चुकी थी, तो फिर आप क्यों गई हैं इशाल के पास? मेरी गैर मौजूदगी में आपने उससे ऐसी क्या बात की जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? क्या ये तरीका ठीक? अच्छा, ओ वाज़ेन, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? हाँ मैं आप सवाल नहीं कर रहा था मैं आपसे, तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आपने किया तो? और आपके हर फैसले को मैंने हमेशा दिल से माना। तो हमेशा आल से शादी करवाने का फैसला भी तो आप ही का था। कैसे हो सकता था कि मैं उसे ना मानू? बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, बल्कि बल्कि जिंदगी है मेरी। आप जब दूसरी शादी की बात करती हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इशाल के सामने या उसकी गैर मौजूदगी में प्लीज मुझसे दूसरी शादी करने की बात मत किया करें। बल्कि आप ऐसे सोचा भी मत करें प्लीज। पहली बार जिंदगी में मेरे साथ इस कदर बदतमीजी, इस कदर जबान दराजी। ये तुम नहीं हुसैन, ये वो बीवी है तुम्हारी जिससे तुम खौफ से जाके बैठ जाओ। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे जिसकी वजह से तुम मेरे सामने डट कर कर छटांक भर लड़की की वजह से। तुम जिंदगी हो मेरी, तुम जिंदगी हो मेरी, और तुम कहते हो वो तुम्हारी जिंदगी। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.